नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्की और स्वागत है आज के इस वीडियो में मेरा, जहां मैं बात करने वाला हूं आई शिफ्ट के गियर शिफ्ट करने के बारे में। यानी आई शिफ्ट वॉल्वो जो है उसका जो गियर हम लोग शिफ्ट करते हैं तो किस हिसाब से शिफ्ट करते हैं और किस हिसाब से शिफ्ट करना भी चाहिए। हालांकि बहुत सारा मैसेज ऐसा आया हुआ है कि भैया हम लोग आई शिफ्ट चला तो रहे हैं, जैसे कि जो भी नया हो, गाड़ी तो बहुत पुराना हो गया आई शिफ्ट अभी वॉल्वो की, तो दिक्कत होता है। हर नए लड़के को किसी भी नए चीज़ में जाइएगा तो थोड़ा सा दिक्कत होना ही है, हल्का फुल्का ज़्यादा नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भैया गाड़ी ठीक चला रहे हैं लेकिन जब चढ़ाई पे आते हैं तो गाड़ी एकदम से मतलब हमारी खड़ी हो जाती है। तो मैंने कहा कि गाड़ी खड़ी हो जाती है इसका मतलब आप लोग मैनुअल में लेके चलते हो? बोला हाँ भैया हम लोग मैनुअल में ही चलते हैं, 10 नंबर 11 नंबर पे चलते हैं चढ़ाई पे। और जब वहाँ पे गियर शिफ्ट करने के बारे आता, चढ़ाई पे मतलब समझिए पहले गाड़ी यूँ चलती है, फिर यूँ जब डंप के रास्ते पे आते हो तो फिर आपकी गाड़ी चढ़ाई पे चढ़ने लगती है। तो वहाँ पे जब उनको गियर शिफ्ट करना होता है तो होता क्या है, मैनुअल पे जब हम लोग रखते हैं तो हमारी गाड़ी मान के चले कि 10 नंबर 11 नंबर पे चल रही है, 11 नंबर की स्पीड में है। अब उस चढ़ाई पे जाने के बाद उस जगह पे वो गाड़ी 4 नंबर पे ही चढ़ेगी, उससे नीचे चढ़ेगी नहीं। अब हम लोग मैनुअल में अगर 10 से सीधा 6 तक 1 2 3 4 5 6 माइनस करेंगे तो तब तक तो गाड़ी खड़ी हो जाएगी। तो इसी के विषय में आज मैं स्पेशल चर्चा कर रहा हूँ, मतलब इसी के बारे में बता रहा हूँ। और प्रैक्टिकली क्या है कि मैंने दो लड़कों को ये समझाया भी और वो दो लड़के इसी हिसाब से ही मुझसे पूछे कि भैया चला रहे हैं लेकिन चढ़ैया में जब जाते हैं ना तो गड़िया मेरा वहाँ खड़ा हो जाता है। तो हम बोले यार ऐसा ऐसा बात है। तो चलिए इसी पे आज मैं समझा रहा हूँ आपको, पूरा अच्छे से मैं दिखा के बताऊंगा कि कैसे आप लोग चलाओगे और किस हिसाब से आप लोग मतलब बेहतर ढंग से चला पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए मेरा। तो देखिए यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आई शिफ्ट का गियर लीवर का पैनल पूरा यहाँ पे सेट। ठीक है, ये रिवर्स है, न्यूट्रल है, ऑटोमेटिक, मैनुअल। ठीक है, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है, गाड़ी बंद है। ठीक ना, तो इसको चलाते कैसे हम लोग, क्या करते हैं कि अमूमन क्या करते हैं कि मैनुअल में गाड़ी को लेके चलते हैं। जब लोड गाड़ी हमारा चलता है तो मैनुअल में चलता है, फिर जिस हिसाब से जरूरत पड़ता है उस हिसाब से गियर को हम लोग यूँ शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, प्लस करते हैं या माइनस करते हैं जहाँ जरूरत। लेकिन जब चढ़ाई पर आ जाते हैं, एकदम यूँ चढ़ाई पर जब आते हैं तो चढ़ाई पर आने के टाइम पर क्या करना है, चढ़ाई पे आने के टाइम पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि 12 नंबर पे पूरा एकदम रफ्तार में चल रहे हैं और जब जान रहे हैं कि भाई यहाँ पे तो चढ़ाई है, गाड़ी चढ़ेगी नहीं, वहाँ पे आराम से आपको मैनुअल से गाड़ी को ऑटोमेटिक में डाल देना है। जब गाड़ी को आप ऑटोमेटिक में डाल दोगे तो ऑटोमेटिक उस गाड़ी को जितने नंबर पर उस जगह पर खींचना है वो उतने नंबर पर शिफ्ट करेगी। शिफ्ट जब कर जाए तो फिर आप RPM मेंटेन करके, यानी कि अंडर 15 में 15 RPM के नीचे मेंटेन करके गाड़ी को लेके बढ़िए, क्योंकि गाड़ी आपके ऑटोमेटिक में आपने डाल दिया है। अगर 15 के ऊपर जाते हो, ई मोड में अगर गाड़ी है तो मैं उसके बारे में भी बता दूंगा, ERP अगर आपकी गाड़ी ई मोड में तो 15 के जैसे ही ऊपर जाएगा RPM तो फिर गियर शिफ्ट कर जाएगा, तो गियर शिफ्ट करके तो फिर गाड़ी खड़ा होगा। तो कहने का मतलब साफ है कि आप मैनुअल में गाड़ी को रफ्तार में लेके जाएं, जब चढ़ाई पे आप जान रहे हो कि चढ़ाई अब आ गई है, वहाँ पे धीरे से गाड़ी को ऑटोमेटिक में डाल दें और गाड़ी आराम से आप चलाते हुए लेते हुए चले जाएं। जहाँ उनको गियर शिफ्ट होना होगा वहाँ वो गियर शिफ्ट कर जाएंगे, यानी 10 नंबर में सीधे 4 में आए 5 में आए 6 में आए या फिर 3 में आए या 2 में आए, जितना पे आए वो सीधे शिफ्ट करेगी। शिफ्ट कर जाएगी 15 RPM के अंडर में मेंटेन करके आप गाड़ी को बढ़ाते जाइए, आराम से आपकी गाड़ी चढ़ी गई। चढ़ने के बाद फिर अगर आपको इच्छा है तो आप मैनुअल में डालिए और अगर नहीं इच्छा तो ऑटोमेटिक में ही रख के गाड़ी को लेके जाइए। लेकिन मैं क्या करता हूँ, कि ऑटोमेटिक में मैं गाड़ी को जब वहाँ डालता हूँ, डालने के बाद जैसे ही गियर मेरी गाड़ी शिफ्ट करती है मैं गाड़ी को फिर मैनुअल में डाल देता हूँ। मैनुअल में डाल देने के बाद में होता क्या है कि चढ़ाई पर मान के चले कि 15 RPM के थोड़ा सा ऊपर भी अगर चला गया या थोड़ा एक्सीलेटर भाग गया 15 RPM के ऊपर थोड़ा सा हुआ तो ऑटोमेटिक में रहेगा तो जरूर है कि गियर शिफ्ट कर जाएगा, और मैनुअल में रहेगा तो गियर शिफ्ट होगा नहीं, मैनुअल में मुझे करना है गियर शिफ्ट। तो इसमें क्या होगा कि आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होगी। अब क्या है कि वहाँ पे मान के चलिए जैसे गियर शिफ्ट हुआ, उसके बाद जैसे ही हम मैनुअल में डाल दिए, उसके बाद जिस हिसाब से जरूरत पड़ा उस हिसाब से गियर डाल दिया, फिर गाड़ी हमारी रफ्तार में है। तो इसी हिसाब से आप चलाओगे तो आपकी गाड़ी खड़ी नहीं होगी और पूरा का पूरा समझ में भी नहीं आएगा कि गाड़ी भाई कितने नंबर पे, कोई देखेगा भी दूर से तो यूँ गया, गियर शिफ्ट हुआ, अपना मैनुअल में डालें फिर ऑटोमेटिक में डालें, गियर शिफ्ट हुआ मैनुअल में डाल के आप चलते हैं। अब माइंस में तो भाई यूँ फिर यूँ फिर यूँ, तो सेम उसी हिसाब से। तो मैं अभी आपको पूरा अच्छे से गियर में फिर दिखा के समझा देता हूँ कि कैसे आप लोग करोगे। ठीक है, अभी जैसे ये देखिए, ये हो गया गियर लीवर, अब हम मैनुअल में चल रहे हैं। जैसे ही मेरा गाड़ी चढ़ाई पे आया, चालू है गाड़ी मेरा, गाड़ी चालू गाड़ी में हम ऑटोमेटिक में डाल दिए। ठीक है, इधर का लॉक जो है ये आपको नज़र आता होगा, मैं दिखा देता हूँ ये आगे में। ठीक है, तो गाड़ी हमारी मैनुअल में है। अब गाड़ी जैसे ही मेरा गाड़ी चढ़ाई पे आ गया तो गाड़ी को हम चलते में ऑटोमेटिक में डाल के हम छोड़ दिए हैं। अब जैसे ही मेरा गाड़ी गियर शिफ्ट किया, जैसे ही शिफ्ट कर गया, जितने नंबर पर गाड़ी को खींचना हुआ जैसे ही शिफ्ट किया तो फिर इसको
मैनुअल में डाल दिया, मैनुअल में डाल दिए, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर आप आरपीएम भाग भी जाता है तो भी गाड़ी कोई दिक्कत नहीं करेंगे, यानी कि गियर शिफ्ट ना होगा ना कम ना बेसी, मैनुअल में डाल दिए, फिर हमको जिस हिसाब से ज़रूरत पड़ेगी उस हिसाब से फिर गियर प्लस करेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे, गाड़ी आराम से चलेगा, कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम जिस हिसाब से आपको समझाए हैं आप सेम उसी हिसाब से अगर कोई भाई चला रहे हैं आई शिफ्ट, आप कभी ट्राई करके देख लेना, आपको खुद ब खुद अच्छे से समझ में आ जाएगा जिस हिसाब से मैंने आपको अभी समझाया। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलते हैं अगले वीडियो में।